स्टूडेंट्स, एक तो मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा ले रहा हूँ जो है, तो रिलैक्स होकर पढ़ो, धीरे धीरे देखो इस सारे वीडियो को ना। अब थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बढ़ाएंगे हम। जो ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाए हैं जितने मैंने, उनको डिटेल में लूंगा मैं। जो प्लांट रिप्रोडक्शन को जो चैप्टर था ना, प्लांट रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर था, उसको साथ कनेक्ट करूंगा इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो वन बाय वन देखो, प्लांट रिप्रोडक्शन की एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए अगर ये समझना है तो। जो देखो, ये प्लांट टॉल है, ठीक है, और ये प्लांट ड्वार्फ, ये छोटा है, ये बड़ा है। मान लो इधर से पोलन ले रहे हैं, तो पहले बताओ इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। पूरा रिप्रोडक्शन बता रहा हूं मैं, फिर क्रॉस को बाद में लूंगा, पहले पूरा सुन समझ लो एक ढंग से। जो मान लो इधर है मेगास्पोर मदर सेल, एक तरफ है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक तरफ है मेगास्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से होती थी मियोसिस और बनते थे माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थी और मियोसिस से बनते थे चार माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मदर सेल थी, वो मियोसिस करती थी, उससे बनते थे चार मेगास्पोर। एक माइक्रोस्पोर से पोलन बनते थे, इन चार माइक्रोस्पोर से चार पोलन बनते थे। पहले टू सेल का पोलन होता था और उसके बाद तीन सेल के पोलन बन जाते थे। मेगास्पोर जो बने थे, तीन खत्म हो जाते थे, एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक बनता है। चार इसमें तीन खत्म हो जाते थे, एक बचता था। अच्छा, सेलों के नाम बताओ। पोलन की दो सेल थी, ये थी जनरेटिव सेल, ये थी वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल से बनते थे दो मेल गैमिट, हर एक में दो मेल गैमेट बनते थे और एक ट्यूब सेल बनती थी। इसमें ये एक एग होता था, दो सिनर्गिड होती थी, तीन एंटीपोडल सेल होती थी, दो पोलर न्यूक्लियाई होते थे। बाद में एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक, कई ओव्यूल में कई एम्ब्रियो सैक। बाद में ये मेल गैमेट एक जुड़ता था एग के साथ, एक जुड़ता था पोलर न्यूक्लियस के साथ। अब इस ये होता था और ये जब जुड़ते थे तो जायगोट बन जाता था, ये जायगोट बन जाता था और जायगोट से प्लांट बन जाता था, और ये प्लांट F1 जनरेशन का प्लांट होता था। अगर मैं अब उस क्रॉस को करूं टॉल प्लांट के लिए जीनोटाइप, अगर मैं कैपिटल TT ले लूं और ड्वार्फ के लिए मैं अगर स्मॉल TT ले लूं, तो बताओ मियोसिस से ये चार मेगास्पोर बनेंगे, सबकी जीनोटाइप क्या होगी? एक स्मॉल T होगा सब में, तीन खत्म हो जाएगा गुण में भी इसमें भी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या कैपिटल TT, और मियोसिस करेगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा, उनमें जीनोटाइप हो जाएगी सिर्फ एक कैपिटल T। मियोसिस से दो फैक्टर होते हैं प्लांट में, लेकिन मियोसिस होने के बाद एक ही बचता है, जो ठीक है। माइक्रोस्पोर में जो जीनोटाइप होती है वही पोलन की जीनोटाइप होती है,
तो जनरेटिव सेल में एक कैपिटल टी और एक इस सेल में रहेगा। यानी माइक्रोस्पोर की जो जीनोटाइप होती है वही दो पोलन की सेल की होती है, तीन पोलन के अंदर भी वही, वो दो कैपिटल टी हो जाएंगे। ये दो मेल गैमेट है, जो माइक्रोस्पोर की जीनोटाइप होती है वही दो मेल गैमेट की जीनोटाइप होती है। क्योंकि माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें कैपिटल टी है, बाद में तो एक जनरेटिव सेल वेजिटेटिव जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगी, दो तो मेल गैमेट बनेंगे, तो कैपिटल टी अब मियोसिस नहीं चलेगी। जो जीनोटाइप माइक्रोस्पोर की है वही जनरेटिव सेल की है, वही इसकी है, दो मेल गैमेट की जीनोटाइप वही रहेगी। मेगास्पोर जो बने हैं उसमें स्मॉल टी अगर है तो एम्ब्रियो सेल की हर सेल में स्मॉल टी होगा, हर सेल में, इसलिए जायगोट की जीनोटाइप इधर से आया, एक मेल गैमेट कैपिटल टी का इधर से आया स्मॉल टी का, ये होगा जायगोट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया, बोला जी ड्वार प्लांट को अगर ये ले लेते तो क्या होता, कैपिटल टी ले लेते और लंबे को स्मॉल टी ले लेते तो भी वही आता, इधर से स्मॉल टी आता इधर से कैपिटल टी, जायगोट कैपिटल टी स्मॉल टी का बनता। हाँ, एंडोस्पर्म की जीनोटाइप मैंने करवाई थी तुम्हारे को, ये स्मॉल टी टी के हैं, इधर से कैपिटल टी का पोलन आ जाएगा तो जीनोटाइप होगी स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी से होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी इधर से आ जाता। यहां तक मैंने क्या करवाया है, ये सब कुछ मैंने, ये जो सब कुछ मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में करवाया था, माइक्रोस्पोर में मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं फिर पोलन बनते हैं, इधर मेगास्पोर बनते हैं फिर एम्ब्रियो सेल बनता है, गैमेट जुड़ जाते हैं जो, तो जायगोट की जीनोटाइप क्या रही वो रही। तो जितने भी प्लांट बनेंगे, ये तो एक एम्ब्रियो सेक है, अगर बाय चांस दूसरा एम्ब्रियो सेक हो तो वो भी स्मॉल टी, सारे प्लांट इसमें स्मॉल टी टी है तो सारे मेगास्पोर स्मॉल टी के बनेंगे, तो हर एम्ब्रियो सेक की जीनोटाइप यही रहेगी स्मॉल टी, इधर हर पोलन जो बनेगा वो कैपिटल टी का रहेगा, जायगोट कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा। अब एक ओव्यूल में एक जायगोट बना, 10 ओव्यूल में 10 जायगोट, 20 ओव्यूल में 20 जायगोट, और जितने भी ओव्यूल है उनको उगाओगे तो ओव्यूल से सीड बन जाएगा, जो उगाओगे तो प्लांट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा प्लांट बनेगा, इसलिए F1 जनरेशन के सारे प्लांट क्या थे, आर प्लांट्स टॉल, ये भी प्लांट टॉल है, ये भी प्लांट टॉल है, ये भी प्लांट टॉल है, आर प्लांट्स टॉल। लेकिन बोला जी ये तो पी जनरेशन से F1 जनरेशन तो ला दिया आपने, लेकिन अभी तो हमारे को सेल पोलिनेशन करना है F1 में, इसमें क्या होगा। अब मैं F1 का एक प्लांट ले रहा हूं और उससे बनाऊंगा, देखो आगे F2 जनरेशन के प्लांट कैसे आएंगे। मैं एक प्लांट ले रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी का, ये एक प्लांट है, कैपिटल टी का और स्मॉल टी का। अब बताओ अब की बार इस पहले वाले केस में तो हमने पता क्या कर दिया था, ये प्लांट स्मॉल टी टी का था लेकिन इसमें मेल गैमेट नहीं बन रहे थे, पोलन नहीं बन रहे थे क्योंकि इसमें हमने स्टैमन हटा दिया था, इमैस्कुलेशन कर दिया था और पोलन दूसरे पेड़ से लेके आए थे। लेकिन यहां पे सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, पी जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, मैंने शुरू में बताया है, पी जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन करते हैं उसके बाद एंड तक सेल्फ पोलिनेशन करते चलेंगे। अब जो है एंड तक ये प्लांट अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का है तो क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। तो अब बताओ स्टेमन में पोलन बनाना है और कार्पल में क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक बनाना है। तो पहले लो ये फूल, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, तो ये फूल का डंडा है और ये स्टेमन है और ये कार्पल है, ये कार्पल, इसमें सेल्फ पोलिनेशन करना, स्टेमन को कार्पल पे डालना है, स्टेमन में क्या होगा वही सेल होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्टेमन में सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे क्या बनाएंगे, इस सेल से चार माइक्रोस्पोर बनाएंगे, वो सेम वही चार माइक्रोस्पोर से क्या बनाएंगे, सीधा ही ये ले लो, ये चार पोलन बन गए, ये चार माइक्रोस्पोर थे, माइक्रोस्पोर मतलब चार माइक्रोस्पोर बनाए, चार पोलन बना दिए, हो गए।
अच्छा मेगास्पोर मदर सेल ले लो, सेम वही तो दिखाया जो पिछले पेज पे दिखाया था मैंने, प्लांट वाली लाइफ साइकिल ही तो करवा रहा हूँ मैं। ये मेगास्पोर मदर सेल इससे क्या बनेंगे, ये चार मेगास्पोर बन गए, तीन मेगास्पोर खत्म हो जाएंगे, एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियोसाइट बन गया, ये एग सिनर्गिड एंटीपोडल। एक बात याद रखना ना, एक म्यूसिस से चार मेगास्पोर बने, तीन खत्म हो गए, एक से एक बना, लेकिन ये एक ओव्यूल में हुआ है सब कुछ, दूसरे ओव्यूल में फिर ऐसे ही होगा, दूसरे ओव्यूल में इसी तरह से दूसरा एम्ब्रियोसैक बन जाएगा, वही एग और सिनर्जी एंटीपोडल, तीसरे ओव्यूल में ऐसे ही हो जाएगा, एग पहले मेगास्पोर बनेगा, तीसरे ओव्यूल में तीन खत्म, हर ओव्यूल में एक म्यूसिस होगी, तीन सेल खत्म, एक से एक एम्ब्रियोसैक बनेगा, ये इसी तरह चौथा ओव्यूल में चौथा होगा, ये एग हो गए। मैंने क्या बताया, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसमें म्यूसिस से पहले माइक्रोस्पोर बने, और जब माइटोसिस हुई तो पोलन बन गए, एक माइटोसिस दो माइटोसिस, मेगास्पोर मदर सेल से एक म्यूसिस हुई तो चार मेगास्पोर बने, लेकिन तीन माइटोसिस हुई तो एम्ब्रियोसैक बन गए एक। तुम बोलोगे जी अब ये पूरी थी, अब इस पे अप्लाई करो, तुम क्या अप्लाई करना है, F1 प्लांट है ये, F1 जेनेसिस है, इसकी जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी की, F1 जेनेसिस का प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी का था। अब बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल की जीनोटाइप तो होगी, म्यूसिस थोड़ी हुई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेगास्पोर मदर की सेल की जीनोटाइप होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, हर सेल में कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब बताओ इसमें म्यूसिस हुई, ये म्यूसिस होगी, तो इनकी जीनोटाइप क्या होगी, अब माइक्रोस्पोर जो बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग, माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होगा म्यूसिस फर्स्ट में, और म्यूसिस फर्स्ट के बाद म्यूसिस सेकंड हुई तो सेम ऐसे ही और आ गए, यूं बोल दो म्यूसिस होने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी अलग कर दी हमने जो, और कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल जितने भी माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से उनमें कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अच्छा अब बताओ ये चार पोलन बने, इसका पोलन कैसा बनेगा, पोलन तो माइटोसिस से बनेगा, तो इसके दो मेल गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी के बनेंगे, टू मेल गैमेट बने और वो बन गए कैपिटल टी के, इसके दो मेल गैमेट बने वो कैसे बने पोलन में, स्मॉल टी की, इसके कैपिटल टी के, इसके स्मॉल टी की, यानी एक मियोसिस से चार माइक्रोस्पोर बने थे, और पोलन में जो दो मेल गैमेट होते हैं उनकी जीनोटाइप सेम होती है, जो माइक्रोस्पोर की जीनोटाइप होती है वही मेल गैमेट की जीनोटाइप होती है पोलन के अंदर, स्मॉल टी का तो दो मेल गैमेट स्मॉल टी के होंगे, कैपिटल टी का तो कैपिटल टी का, क्योंकि माइटोसिस से बन रही है जो। अब क्या होगा, अब सोचो पोलन बन गए इस पेड़ में, ये एक पेड़ है इसमें पोलन बन गए, ये चार स्टैमन में जो पोलन बने ये चार बन गए, और एक ओव्यूल में एक, चार ओव्यूल में ये चार बन गए। अब क्या होगा, बस जोड़ दो इनको, अब क्या करना है, पोलन में कितने टाइप के मेल गैमेट कितने टाइप का होगा, या तो कैपिटल टी का है और दूसरे पोलन में स्मॉल टी का है, इस पोलन में जीनोटाइप है कैपिटल टी, दूसरे पोलन में स्मॉल टी, एम्ब्रियोसैक पे हो, एक म्यूसिस से कैपिटल टी स्मॉल टी थी, म्यूसिस हुई तो कितने टाइप के मेगास्पोर बने, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी के ही बने, तीन खत्म हो गए, तो या तो होंगे वो कैपिटल टी वाले सारे, हर साल कैपिटल टी की होगी, कैपिटल टी की, किसी दूसरे भाई कैपिटल टी स्मॉल टी चार माइक्रोस्पोर बने, तीन खत्म हो गए एक बच गया, तो कैपिटल टी वाला एम्ब्रियोसैक बन गया, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि दूसरे पोलन में
कैपिटल टी ही बचे, हो सकता है स्मॉल टी बच जाए, तो ये सारे स्मॉल टी का जाएंगे, सारी सेल स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आधे तो एम्ब्रियो सैक बनेंगे कैपिटल टी वाले और आधे बनेंगे स्मॉल टी वाले। कैसे भाई? एक माइक्रोस्पोर मदर से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, वो तो खत्म नहीं होते, इसलिए आधे कैपिटल टी के आधे स्मॉल टी के, म्यूसिस से अलग हो गए फैक्टर, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गए। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में तो कैपिटल टी स्मॉल टी के मेगास्पोर बने लेकिन तीन खत्म हो गए, तो बचा कौन सा? किसी ओव्यूल में बचेगा कैपिटल टी वाला, किसी में बचेगा स्मॉल टी वाला। अगर कैपिटल टी वाला मेगास्पोर है तो एम्ब्रियो सैक सारी सेल कैपिटल टी की है, और किसी ओव्यूल में स्मॉल टी वाला तो सारी सेल स्मॉल टी की। तो ये भी एग कैपिटल टी का हो सकता है या स्मॉल टी का हो सकता है। अब बताओ ये चार है, ये चार है, अगर ये वाला कैपिटल टी के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जायगोट कैपिटल टी टी का। कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी का। स्मॉल टी वाला कैपिटल टी से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी ये जो मैं बनाता था क्रॉस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ये कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाला देखो शुरू में कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, मैंने ये किया था कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया था। एफ एन जनरेशन क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी का आया था, कैपिटल टी टी को स्मॉल टी का, कैपिटल टी स्मॉल टी आया एफ एन जनरेशन। तो एफ टू जनरेशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गए। तो ये रियलिटी में क्या बने थे कैपिटल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी? ये जायगोट थे सारे, और एक जायगोट होगा एक बीज के अंदर या एक ओव्यूल में, जब उसको उगाएंगे तो कैपिटल टी टी का तो लंबा प्लांट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का है तो भी लंबा प्लांट आएगा, और स्मॉल टी टी का जायगोट है तो उस बीज में छोटा पेड़ आएगा जो। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैपिटल अगर प्लांट हेटरोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी का है तो माइक्रोस्पोर दो टाइप के बनेंगे, पोलन दो टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी वाले स्मॉल टी वाले, और मेगास्पोर भी दो टाइप के बनेंगे। तो मेगास्पोर से ही तो एम्ब्रियो सैक बनते, वो भी दो टाइप के बनेंगे। जब ये जुड़ेंगे ये कोई किसी के साथ जुड़ेगा तो 3:1 रेशियो में ये प्लांट आएंगे। जो ये टॉपिक पहले प्लांट का रिप्रोडक्शन का चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ो रिप्रोडक्शन का, और फिर ये समझो, और मेरे से साथ के साथ पूछते रहो, क्योंकि इतना इजी नहीं है, क्वेश्चन बहुत बनेंगे मुश्किल मुश्किल, तो इसमें सारा मेरे से पूछो इससे रिलेटेड जो है। अब आगे अगला टॉपिक ले रहा हूं मैं, जो है टॉपिक का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टॉपिक का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यह है पार्शियल डोमिनेंस। अगर दिस फिनोमिना इज अपोजिट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाएगा, यानी यू बोल सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस गिवन बाय मेंडल फेल इन दिस फिनोमेना, इस घटना में लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे? डेफिनेशन बाद में लूंगा, एग्जांपल बताता हूं। 4 o'clock प्लांट पड़ा होगा, ट्यूबस रूट होती थी, ये रेगुलर रूट होती थी, टैप रूट, इसमें साइंटिफिक नेम होता था मीराबिलिस जलापा, मीराबिलिस जलापा। एक तो ये होगा, दूसरा होगा स्नैप ड्रैगन, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम है एंटी राइनम, एंटी मतलब अगेंस्ट, राइनम तो नाक से खून किसी का आए तो इसका फूल सूंघा दो नाक से फूल खून रुक जाएंगे जो, इसलिए इसका नाम है एंटी राइनम, एंटी मतलब अगेंस्ट, राइनम मतलब नाक से ब्लड आ रहा है तो वो रोक देगा ये। तो दो प्लांट है ये जो, दोनों प्लांट में अगर हम रेड प्लांट को व्हाइट प्लांट से क्रॉस कराए
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, क्या तो आना चाहिए रेड या व्हाइट, इसमें पता क्या आता है, पिंक आता है। रेड व्हाइट को क्रॉस कराया तो रेड आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का गुण। इसमें पिंक आया, रेड ने थोड़ा इफेक्ट दिखाया, व्हाइट ने इफेक्ट दिखाया, इसलिए क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना रेड डोमिनेंट ना व्हाइट डोमिनेंस, बीच का आया, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। तो रेड के लिए कैपिटल आर आर ले लो, व्हाइट के लिए स्मॉल आर, ये तो पी जनरेशन होगी, और गैमेट बनेंगे कैपिटल आर वाले, मेंडल वाला ही क्रॉस है सारा, ये दोनों जुड़ेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो थोड़ा सर आर ने दिखाया, थोड़ा इसने दिखाया, इसलिए इसको कंप्लीट डोमिनेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल का लॉ फेल हो गया, मेंडल के गुण या तो रेड आए या व्हाइट आए या तो पिंक आ रहा है, तो कंप्लीट डोमिनेंस फेल, दो फैक्टर होते तो थोड़ा थोड़ा भी इफेक्ट दिखा सकते दोनों, ये लॉ बोलता है। तुम बोलोगे इसको इसी के साथ कराएंगे तो फिर क्या आएगा, तो बना लो फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके दो बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके दो बन गए, सेम है मेंडल वाला क्रॉस, बहुत क्रॉस करवा दी पीछे मैंने जो, तो कैपिटल आर आर वाला कैसे आएगा, रेड, स्मॉल आर आर वाला व्हाइट, ये तो व्हाइट और रेड तो दिख रहा है, स्मॉल आर आर व्हाइट और कैपिटल आर रेड, कैपिटल आर और आर स्मॉल आर दोनों ये पिंक है, तो बताओ इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, जो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जीन के बारे में बताना, जैसे कैपिटल आर आर ये जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये जीनोटाइप है, दो फैक्टर को जीनोटाइप बोलते हैं, चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव, और ये स्मॉल आर, वन आया कैपिटल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर दो आए, स्मॉल आर आर एक आया, तो वन टू वन, तो यानी क्या होगा, ये सेम रिजल्ट है जो मेंडल में आया था, जीनोटिपिक रेशियो मेंडल के क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी यही आती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी यही आती, लेकिन इसमें फिनोटिपिक रेशियो डिफरेंट है मेंडल से, फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के केस में चाहे कैपिटल आर आर हो या कैपिटल आर स्मॉल आर हो, एक डोमिनेंट हो या दो डोमिनेंट हो, कलर डोमिनेंट वाला ही आता है, अगर ये मेंडल का लॉ होता तो क्या आता है, ये भी रेड था ये भी रेड ही आता है, कैपिटल आर रेड बना देता, कैपिटल आर आर भी रेड होता, कैपिटल आर अकेला होता तो भी रेड होता अगर मेंडल का लॉ होता तो, जो लेकिन यहां पे दो डोमिनेंट जीन है तो अलग करेक्टर आ रहा है, एक डोमिनेंट जीन तो अलग आ रहा है, एक डोमिनेंट में क्या आ रहा है, अगर दो आ रहे हैं तो रेड आ रहा है, एक आ रहा है तो पिंक आ रहा है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस होती तो ये भी कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही वही रिजल्ट देता, ये भी रेड देता ये भी रेड देता, दो आर हो या एक आर हो रेड आता, लेकिन यहां पे पिंक हो गया है, एक डोमिनेंट से पिंक, दो से रेड और एक व्हाइट, तो रेशियो क्या आई, कैपिटल आर आर का एक रेड, कैपिटल आर स्मॉल का दो पिंक।